गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एक्यूट डिजीज के स्टेकिंग के बारे में शुरुआत किए थे और हम लोगों ने देखा एफरिज्म 99 को कि कैसे वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्यूट डिजीज हैं उसमें चूंकि जो भी डिजीज फेनोमेना है, जो भी फेनोमेना है वो रिसेंट होता है और इस कारण से उसको जो है पेशेंट के और रिलेटिव्स के माइंड में फ्रेश रहता है तो उसका केस टेकिंग रिलेटिवली आसान होता है। ये हम लोगों ने देखा था एफरिज्म 99 में कि क्यों इजियर होता है। उसके बाद हम लोगों ने एफरिज्म 100 को देखा था और एफरिज्म 100 में बेसिकली एक्यूट डिजीजेज और उसमें भी जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं या एपिडेमिक डिजीजेज हैं उनके केस टेकिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला गया है कि जो भी कोई नया एक्यूट डिजीज होता है या एस्पोरेटिक हो या एपिडेमिक है तो उसको ऑलवेज एक न्यू फेनोमेना मान के चलना है, एक न्यू डिजीज फेनोमेना मान के चलना है। ऐसा डिजीज हिस्ट्री में कभी हुआ है तो उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये डिजीज पिछले डिजीज से अलग है, हटके है। तो इस डिजीज के केस में आपको दोबारा अनप्रिजुडिस्ड होके वो सारे तरीके को दोहराना पड़ेगा, वो सारा केस को दोबारा करना पड़ेगा, पूरे सिम्टम्स को देखना पड़ेगा बिना एक्चुअल ऑब्जर्वेशन किए। ये कल्पना नहीं कर लेना है कि ये जो नया डिजीज है, ये जो न्यू एपिडेमिक है वो पुराने जैसा ही है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है कोविड-19 के चलते जो हो रहा है ये भी इन्फ्लुएंजा है, उसके आगे सार्स के चलते जो होता हुआ था वो भी इन्फ्लुएंजा है। तो डिफरेंट इन्फ्लुएंजा में डिफरेंस है। ऑब्वियसली हम लोग पैथोलॉजी के नॉलेज से जानते हैं कि जो भी नया एपिडेमिक डिजीज इस टाइप का वायरल आ रहा है तो उसमें वायरस खुद को म्यूटेट करता है, तो खुद को म्यूटेट कर रहता है तो ऑब्वियसली सिम्टम्स भी तो चेंज होंगे, वो एक नए तरीके से तो आपको इफेक्ट करेगा। दैट इज भाई ये हैनीमैन के जीनियस माइंड ने सैकड़ों साल पहले इस चीज़ को देख लिया, महसूस कर लिया और उन्होंने कहा कि नेवर सब्स्टिट्यूट कंजेक्चर फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। तो ये हुआ एफरिज्म 100। उसके बाद बोल रहे हैं कि पूरा केयरफुली केस को एग्जामिन करना है। हालांकि फिर लास्ट में एक लाइन लिख रहे हैं कि कुछ डिजीजेज जो होती हैं क्योंकि सेम कॉन्टिग्यूस प्रिंसिपल के चलते होती हैं तो उनका सफरिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उनको साइड में रखने के लिए बोले, वो एक लाइन बोले हुए हैं। बट जब भी कोई नया डिजीज फेनोमेना आ रहा है, जब भी कोई नया एपिडेमिक आ रहा है तो उस केस को आपको एक न्यू इंसिडेंस, एक न्यू फेनोमेना मान के चलना है और उसको पूरी तरह से एड्रेस करना है, उसको होलिस्टिकली एग्जामिन करना है, उसमें कल्पना नहीं करना है, जो सिम्टम्स फेनोमेना आ रहे हैं उसको नोट करना है। नेक्स्ट एफरिज्म 101 हम लोग शुरू करेंगे और एफरिज्म 101 एंड 102 जो है बेसिकली ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है एक्यूट डिजीजेज, स्पेशली एक्यूट एपिडेमिक डिजीजेज के केस टेकिंग के लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफरिज्म 101 में अगर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हालांकि ये हो सकता है, इट मे इजिली हैपन दैट इन फर्स्ट केस ऑफ एन एपिडेमिक डिजीज दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू द फिजिशियंस नोटिस ही डज नॉट एट वंस ऑब्टेन नॉलेज ऑफ कंप्लीट पिक्चर एज इट इज ओनली ए क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केसेज ऑफ एवरी सच कलेक्टिव डिजीज दैट ही कैन बिकम्स कन्वर्सेंट विथ द टोटलिटी ऑफ इट्स साइंस एंड सिम्टम्स द केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन कैन हाउ एवर फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ इवन फर्स्ट एंड सेकेंड पेशेंट ऑफ एन अराइव सो नियरली एट अ नॉलेज ऑफ ट्रू स्टेट
एज टू हैव हिज माइंड इन हिज माइंड अ करेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ इट एंड इवन टू सक्सीड फाइंडिंग अ सुटेबल होम्योपैथिक कली एडेप्टेड रेमेडी फॉर इट। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कई बार जब कोई एक्यूट डिजीज आता है तो वैसे केसेज में एपिडेमिक डिजीज के केस में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा केस देखने के बाद हमको कंप्लीट पिक्चर समझ में आता है, और कई बार अगर बहुत ही एक्यूटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन है तो वो एक से दो केस देख के और वो जो मतलब मेडिसिन है उस एपिडेमिक के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये डिपेंड करता है फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन पर। बट जो 101 एंड 102 में प्रोसेस डिस्कस किया गया है कि कैसे हम लोग कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज जानेंगे वो चीज़ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रोसेस है जीनस एपिडेमिकस के सिलेक्शन का। यहाँ पे टर्म जीनस एपिडेमिकस कहीं नहीं लिखा गया है, जीनस एपिडेमिकस वो मेडिसिन है जो कि किसी भी एपिडेमिक के केस में क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव है। ये जो है क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों है, ये क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। तो ये जो दो एफोरिज्म है 101 एंड 102 ये बेसिकली कैसे हम जीनस एपिडेमिकस तक पहुंचेंगे उसके बारे में इन दोनों एफोरिज्म में जिक्र हुआ है। जैसे कि 101 में हम लोगों ने देखा कि हैनमैन साहब बोल रहे हैं कि एक केस आया और एक्यूटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन वहीं से समझ जाता है कि ये पूरा पिक्चर ये पूरी तस्वीर कैसे हुई है, वहाँ से वो रेमेडी सिलेक्शन कर लेता है। बट कई बार बहुत सारे केसेज को देखना पड़ता है। तो क्या है एग्जैक्टली जीनस एपिडेमिकस को तक पहुंचने का साइंटिफिक तरीका, इसके बारे में मास्टर हैनमैन ने एफोरिज्म 101 एंड 102 में डिटेल डिस्कशन किया। बेसिकली ये जो जीनस एपिडेमिकस को सेलेक्ट करने का तरीका है, अगर हम लोग देखें तो ये कुछ ड्रग प्रूविंग से मिलता जुलता है। कैसे? ड्रग प्रूविंग में हम लोगों के पास एक मेडिसिन है ए। ये मेडिसिन हम लोग डिफरेंट एज डिफरेंट सेक्स एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनिज्म को देते हैं और देने के बाद जो भी सिम्टोमेटोलॉजी आता है उसको नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं? तो जो डिफरेंट पेशेंट्स में हेड का सिम्टम है वो हेड के हेडिंग में डाल देंगे, माइंड का सिम्टम माइंड के हेडिंग में डालेंगे, लाइक दिस एक्सट्रीमिटीज लाइक दिस, जो भी है ये सारे सिम्टम्स को सारे पेशेंट्स को मेडिसिन ये दिया गया, उनको हेड में किसी को हेडेक हुआ, किसी को लाइटनेस हुआ, किसी को हेवीनेस हुआ, तो ये सारे हेड के सिम्टम्स एक जगह ला के रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ए मेडिसिन डिफरेंट एज डिफरेंट सेक्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन देता है सिम्टम्स का, तो वो सारे सिम्टम्स इस मेडिसिन के ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि उस पर बंदे में जो प्रूवर था उसमें तो ये सिम्टम पहले से नहीं था। कब आया? जब हमने ये मेडिसिन दिया उसके बाद ही आया। ऑब्वियसली ये सिम्टम जो आया है प्रूवर में वो इस मेडिसिन के चलते ही आया है, ठीक है। तो हेड का सिम्टम, माइंड का सिम्टम, एक्सट्रीमिटीज का सिम्टम, एब्डोमेन का सिम्टम, स्टोमेक का सिम्टम, सारे सिम्टम्स को अलग अलग हेडिंग में कर दिए और जब सबको कलेक्ट कर दिए तो ये हमारा तैयार हो गया द पिक्चर ऑफ द मेडिसिन। ये कंप्लीट प्रूविंग के बाद जो भी सारा सिम्टम्स आया एक जगह कर दिए, इस परफॉर्मा में हमने डाल के हैनमैनियन परफॉर्मा में जो कि
एनाटॉमिकल हेनमेनियन एनाटॉमिकल कोकोमा है उसमें डाल के हमने कलेक्ट कर दिया, तो हमारा ये तैयार हो गया इस मेडिसिन का मेटेरिया मेडिका, प्रूविंग सिम्पल्स का मेटेरिया मेडिका तैयार हो गया। ठीक है, यही है हम लोगों को मेटेरिया मेडिका, प्रूविंग मेटेरिया मेडिका बनाने का तरीका, कि मेडिसिन हमने दिया डिफरेंट एज डिफरेंट सेक्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअल्स को, और उन लोगों के अंदर जो भी सिम्टम्स आया उसको हमने डिफरेंट हेडिंग्स में अरेंज कर दिया। सारे हेड के सिम्टम हेड वाले जगह में, आई का सिम्टम आई वाले जगह में, नोज का सिम्टम नोज के अंदर, माउथ का सिम्टम माउथ के अंदर, ईयर का सिम्टम ईयर के अंदर, स्किन का सिम्टम स्किन के अंदर, चेस्ट का सिम्टम चेस्ट के अंदर, एब्डोमेन का सिम्टम एब्डोमेन के अंदर, स्टोमेक का सिम्टम स्टोमेक के अंदर, रेक्टम का रेक्टम के अंदर, यूरिनरी ऑर्गन्स है यूरिनरी ऑर्गन्स के अंदर, एक्सट्रीमिटीज का एक्सट्रीमिटीज के अंदर, जनरलिटीज वगैरह वगैरह जो भी सिम्टम्स हैं ये सारे सिम्टम्स हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया और ये हमारा मेटेरिया मीडिया पूरा हो गया। अब जो हमको एक नया एपिडेमिक डिजीज आया है, ऑब्वियसली वो किसी न किसी एक नए कॉज के चलते हुआ है। ये कॉज जस्ट डिफरेंट एज डिफरेंट सेक्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड के मैनिफेस्टेशन देगा। किसी को हेडेक होगा, किसी को डायरिया होगा, किसी को वीकनेस होगा, किसी को कुछ होगा, जस्ट लाइक आप कोरोना का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। किसी को जीआई प्रेजेंटेशन हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी हो रहा है, किसी को सब क्लिनिकल हो रहा है, लाइक सिमिलरली ये मेडिसिन एक है, ये मेडिसिन की तरह ये एजेंट जो है वो एक है, और ये एजेंट डिफरेंट एज डिफरेंट सेक्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गेनिज्म में अ सेट ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी देता है। वो सारे सिम्टम्स को डिफरेंट हेडिंग्स में हमने नोट किया, एक सिम्टम दो सिम्टम चार सिम्टम पांच, एक केस दो केस चार केस पांच केस दस केस बीस केस, तब तक नोट करेंगे जब तक कि हेड में माइंड में और डिफरेंट पार्ट्स में न्यू सिम्टम्स आना बंद ना हो जाए। जो हमारा ड्रग प्रूविंग का प्रोटोकॉल है, सिमिलरली यहाँ पे भी तब तक सफिशियंट नंबर ऑफ केसेज हम नोट करेंगे जहाँ जब तक कि न्यू सिम्टम्स आना बंद ना हो जाए। वंस न्यू सिम्टम्स आना बंद हो जाएगा तो अब हम मान लेंगे कि ये हमारा कंप्लीट पिक्चर ऑफ एपिडेमिक बन गया, ये हमारा कंप्लीट पिक्चर ऑफ एपिडेमिक बन गया। और अब ये जो कंप्लीट पिक्चर ऑफ एपिडेमिक है इसको मैच करेंगे हम अपने मेटेरिया मेडिका के मेडिसिन से, और जिस मेडिसिन से एक दो तीन मेडिसिन जो भी मेडिसिन से सबसे क्लोज ये रिजेंबल कर रहा है सिमिलरिटी है, वो मेडिसिन इस डिजीज के लिए इस न्यू एपिडेमिक के लिए जीनस एपिडेमिक हो गया। समझ में आया? आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करना है कि सफिशियंट नंबर ऑफ केसेस देखना है और उन केसेस से जो सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है उनको हेनमेनियन जो कोकोमा है एनाटॉमिकल कोकोमा है उसमें डालना है। जब न्यू सिम्टम आना बंद हो जाए तो हम मान लेंगे कि ये हमारा कंप्लीट पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है इस एपिडेमिक का हो गया। अब इसके बाद इन सिम्टम्स को हम अपने ऑलरेडी प्रेजेंट मेटेरिया मेडिका के सिम्टम्स से मैच करेंगे, और जिस मेडिसिन से ये जाके सबसे ज़्यादा मैच करेगा वही इस एपिडेमिक के लिए जीनस एपिडेमिकस कर लाएगा, और उसी मेडिसिन में ये पोटेंशियल होगा कि वो इस एपिडेमिक के लिए क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास्टर हैनीमैन ने फ्रिज 101 में लिखा है कि वन और टू केसेस, बट अगर हम लोग केंट फिलोसफी देखते हैं तो केंट साहब एक जगह ऐसे ही लूजली बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 20 केसेस देखना पड़ता है जीनस एपिडेमिकस को तैयार करने के लिए, जीनस एपिडेमिकस को के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि एफोरिज्म 101 में वन और टू केस का बात बोला गया है, बट केंट फिलोसफी में 20 केसेस का बात बोला गया है। ये मेडिसिन जो हमने तैयार किया है
ये जो टोटलिटी जो मेडिसिन कवर कर रहा है वो उस एपिडेमिक के लिए क्यूरेटिव या प्रिवेंटिव होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये आप लोगों को एफोरिज 101 एंड 102 समझ में आया। एफोरिज 102 जो है बेसिकली केस टेकिंग ऑफ एपिडेमिक डिजीज के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों एफरिज को एक रीडिंग दीजिए, आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक बार जीनस एपिडेमिकस कैसे बनाते हैं इसका जिक्र करेंगे, और जो करंट पैंडेमिक में COVID-19 में CCRS ने जो आर्सेनिक एल्बम को मतलब जीनस एपिडेमिकस के रूप में दिया है वहाँ उसने क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एफरिज 100 एंड 102 को देखिए, पढ़िए, समझिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए। थैंक यू।